ये चारों तरफ यहाँ पे नमक है, आई थिंक यहाँ से हम उठा लें 2-3 पैकेट तो घर में खाना वाना भी बन सकता है. बट इट्स रियली नाइस. लद्दाख तो हम नहीं जा पाए बट फिर भी वाइट वाइट यहाँ दिख रहा है. ये बर्फ नहीं नमक है मेरे दोस्तों. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और विशाल भाई अभी रेडी हो रहे हैं और मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ अपने होटल के. सो या सो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं. 15-20 मिनट में वी विल लीव फ्रॉम हियर फॉर विवेकानंद रॉक मेमोरियल. सो हमारा प्लान ये था कि सुबह उठ के जाएंगे सनराइज देखने, बट हो गया हमें बहुत लेट उठने में क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे. सो नींद नहीं खुल पाई. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी विवेकानंद रॉक मेमोरियल. यहाँ से हम जाएंगे उस पॉइंट पे जहाँ से फेरी लेनी होगी और वहाँ से 500 मीटर्स पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल. सो विल गो देयर, विल विजिट विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड देन बाय 12 PM हम लोग यहाँ से कन्याकुमारी से निकल जाएंगे रामेश्वरम के लिए और होपफुली बाय इवनिंग विल रीच रामेश्वरम. रामेश्वरम इज़ अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो या तो मैं आपको क्विकली रूम का टूर दे देता हूँ. And it's little messed up क्योंकि you know biker's room. So yeah, let's see. So ये मेरी balcony है room की, जैसा कि आप देख सकते हो. अब अगर मैं अंदर जाऊँ यहाँ से, so ये कुछ ऐसी हालत है room की. ये विशाल भाई का सामान, boots, jacket सब बिखरा पड़ा है. ये मेरा सामान, जैकेट, हेलमेट सब कुछ बिखरा पड़ा है. इधर इधर साड़ी बैग्स पड़ा है. ये कुछ कपड़े हैं, नी गार्ड है विशाल भाई के, मेरा टैंक बैग. और रात में हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, उसमें काफ़ी टाइम लग गया. ये मेरा ट्राईपॉड है और यहाँ मेरा लैपटॉप, पावर बैंक और यहाँ कुछ चार्जिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं. तो ये कुछ रूम की हालत है. और हम अभी बस निकलेंगे 10 मिनट में यहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी न्यूज़ है. हम यहाँ पहुँचे बट हमें ये बताया यहाँ की लोकल पुलिस ने कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन संडे तक यहाँ पे सारी बोट और फेरी सर्विसेज बंद हैं और शायद आगे भी बंद हो सकती हैं टिल द एंड ऑफ दिस मंथ. सो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे सो बी वेरी केयरफुल. शायद आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है वहाँ जाने का मौका ना मिले क्योंकि फेरी सर्विसेज आर शट डाउन राइट नाउ. सो आप इस बीच के इन एंड अराउंड घूम सकते हो, जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, बट स्टिल I don't think you'll get a chance to go to that place. So yeah, maybe शायद next month से start हो जाए but अभी के लिए तो बंद और यही news है. So yeah, little disappointed but what can you do? Yeah, these things are bound to happen because these are uncertain times. So मैं आपको यहाँ के कुछ अच्छे 360 degree shots दिखा दूँगा और होपफुली हम थोड़ी देर में यहाँ से फिर ब्रेकफास्ट करके रामेश्वरम के लिए प्रोसीड करेंगे. तो हम कन्याकुमारी से रामेश्वरम की ओर निकल चुके हैं और
यहाँ से रामेश्वरम की डिस्टेंस है अराउंड 350 किलोमीटर्स और हमने नेशनल हाईवे ले लिया है यहाँ से। एक्चुअली दो रूट्स हैं यहाँ से जाने के, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, बट हमने नेशनल हाईवे लिया है। तिरुना वैली यहाँ से 77 किलोमीटर्स है, तो हमारा आई थिंक पहला पिट स्टॉप हो सकता है तिरुना वैली, अगर ऐसा लगा कि हमें ज़रूरत है ब्रेक की। और आप देख सकते हैं इस सामने में विंड मिल्स है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। राक्षस होता था जिसका नाम था बानासुर, उस राक्षस को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, उसे ऐसा वरदान प्राप्त था शिव जी से कि उसकी उसका वध, मतलब उस बेसिकली उसका उसे खत्म कोई लड़की ही कर सकती है ऐसी जिसकी शादी नहीं हुई हो, जो कुमारी करने हो। और उसने ये सोचा था कि कोई भी आदमी मुझे नहीं मार सकता और जनरली लड़कियां मुझे नहीं मार सकती, उसे इस बात का बहुत घमंड था। तो जो देवी पार्वती थी शिव जी की वाइफ, देवी आदि शक्ति भी कहते हैं उन्हें, उन्होंने कुमारी के रूप में यहाँ पे जन्म लिया इस जगह पे और फिर यहाँ पे उसका वध किया, उसको खत्म किया, उसके घमंड को खत्म किया, बुराई को खत्म किया और अच्छाई की स्थापना की। तब से ये जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ गया उनके नाम पे। सो ये मैंने सुन रखा था इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इस स्टोरी में या इस जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी इसमें आपको लगता है कि कुछ करेक्शन या कुछ इनकम्प्लीशन की ज़रूरत, कुछ कम्प्लीशन की ज़रूरत है हमें, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कम्प्लीट। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। बट या दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कन्याकुमारी and that is known as the last point of India. Only thing is problem is ki hum log ka jo main attraction tha, hum ghumna chahte the Kanyakumari mein, wo tha Swami Vivekanand ka rock aur Saint jo Tiruvalluvar jo Tamil literature ke one of the most renowned poets mein se ek hai, उनका बेसिकली उनके मेमोरियल में वहाँ से कुछ कन्याकुमारी बीच से कुछ 500 मीटर्स पे उनका स्टैचूज हैं और छोटा छोटा आइलैंड्स हैं, बट और वहाँ पे फेरी जाती है, बट अभी ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस एंड लाइक टू अवॉइड रश वो फेरी सर्विसेज अभी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। सो इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जा पाए, तो हमने दूर से ही कुछ शॉर्ट्स कुछ फोटोज कैप्चर करने की कोशिश की। अच्छा एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जब आप काफी लंबे समय तक या कुछ समय हो जाता है आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास, उस टाइम पे जब आप हाईवेज वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग बियॉन्ड, जस्ट लुकिंग एट द इमीडिएट रोड, आपको आंखों में एक वाइड एंगल लेंस फिट हो जाता है जिससे आप ओवरऑल दूर दूर तक देखते रहते हो और एंटिसिपेट करते रहते हो कि इन केस समवन इज क्रॉसिंग द रोड और इन केस एनी व्हीकल इज टर्निंग और एनीथिंग इज हैपनिंग, सो यू गेट रेडी कि आप वहां पे संभाल लोगे बाइक को या आपको कैसे निकालना है, दिमाग में अपने आप एक मैप तैयार रहता है। सो आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, वहां ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जस्ट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है वहाँ पे। और जब मैं बैंगलोर से चला हूँ, अभी मैंने कन्याकुमारी भी क्रॉस कर लिया, अब मैं रामेश्वरम बढ़ रहे हैं, मुझे एक भी जगह पे टोल नहीं देना पड़ा है अभी तक, नॉट अ सिंगल प्लेस। सो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ हाईवे एसोसिएशन को, गवर्नमेंट को और ऑल द कंसर्न्ड पीपल अथॉरिटीज़ कि थैंक यू सो मच।
आई रियली अप्रिशिएट, वी ऑल बाइकर्स रियली अप्रिशिएट दिस कि आप टू व्हीलर्स को एटलीस्ट एग्जेम्पशन दे रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि मैंने नाइस रोड जो है बैंगलोर में, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ हम टू व्हीलर्स को भी एग्जेम्पशन नहीं है, वहाँ हमें टोल फी देनी पड़ती है। मे बी बिकॉज इट्स अ प्राइवेट रोड एंड दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट ओन्ड हाईवेज। सो या, और ये आगे एक भाई साहब जा रहे हैं बाइक पे, स्पीड में है बट उन्होंने ना हेलमेट पहना है ना कोई भी प्रोटेक्टिव गियर्स है। सो जो भी आप लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमेशा राइडिंग गियर्स पहने, अच्छे क्वालिटी के हेलमेट पहने और अपने आप को एक अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर दें, बिकॉज दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो द प्रोटेक्शन यू रियली नीड, क्योंकि यू हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली योर लव वंस। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सो बेसिकली हम लोग अभी तिरुवनली करके कोई जगह है, तिरुवनली वो क्रॉस करके हम तुतीकोरिन की तरफ बढ़ रहे हैं और तुतीकोरिन से कुछ 20-25 किलोमीटर्स पहले हम रुके हैं। अभी रामेश्वरम यहाँ से कुछ अराउंड 150 किलोमीटर्स और है। तो और द थिंग इज कि तिरुवनली से जब हम आगे बढ़े तुतीकोरिन की तरफ, तो हमने यही देखा कि रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम रुक गए और लघु शंका के लिए हमें रुकना पड़ा और फिर हमने थोड़ा बहुत पानी भी पिया, अभी रिहाइड्रेट किया अपने आप को। सो अभी विल मूव ऑन, विल मूव फर्दर और जैसा भी होगा अपडेट कर देंगे। मोस्टली आई थिंक विल स्टॉप इन तुतीकोरिन फॉर लंच। आई थिंक अभी अराउंड 3:30 हो रहे हैं, आई थिंक बाई 4:45 और बिफोर दैट इवन वी शुड टच डाउन तुतीकोरिन। ये देखो यहाँ पे सॉल्ट क्रिएट किया जा रहा है, राइट? मैंने बाइक रुकवा दी है और वी विल जस्ट गो एंड क्विकली सी कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसा है। वाह, इट्स अमेजिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्ट हार्वेस्टिंग चल रही है। आई डोंट नो, ये टर्म मैंने अभी जस्ट डिफाइन किया बट आप देख सकते हो ये चारों तरफ यहाँ पे नमक है। आई थिंक यहाँ से हम उठा लें 2-3 पैकेट तो घर में खाना वाना भी बन सकता है। बट इट्स रियली नाइस। लद्दाख तो हम नहीं जा पाए बट फिर भी वाइट वाइट यहाँ दिख रहा है, ये बर्फ नहीं नमक है मेरे दोस्तों, और काफ़ी सही लग रहा है। और अब वो हमारी बाइक्स खड़ी हैं वहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो, इंटरसेप्टर 650, क्लासिक 350 और हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं। ये नमकीन दुनिया है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई, कहीं पे मैंने सुना था या पढ़ा था कि खाने में अगर खाना अच्छा बने, मसाला डालो या जो भी डालो, तो लोग बहुत तारीफ करते हैं कि या भाई खाना सही बना है। लेकिन अगर खाने में जस्ट द परफेक्ट नमक डालो आप, जस्ट द परफेक्ट नमक, तो कभी ये नहीं कोई बोलता कि भाई खाने में परफेक्ट। और ये कुछ खुश लोग, और कभी कोई ये नहीं बोलता कि खाने में आपने परफेक्ट नमक डाला है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नमक कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स नीड्स के लिए हो, जस्ट द राइट अमाउंट, जस्ट द पिंच ऑफ आयोडीन, पिंच ऑफ सोडियम, पिंच ऑफ क्लोरीन, या फिर हमारे खाने के टेस्ट के लिए हो, नमक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और ये वही नमक है जिसकी यहाँ हार्वेस्टिंग चल रही है और यहीं से वो नमक जो है ये शायद जाता होगा जो भी कंपनीज के पास वहाँ पे फैक्ट्रीज में, वहाँ उसको और ज़्यादा प्योरीफाई करके, पॉलिश वॉलिश करके और फिर उसको पैकेट्स में पैक करके हमें बेचा जाता है। सो या, ये नमक देख के अच्छा लगा और कुछ कुछ लोग भी थे यहाँ से गुजर रहे थे, तो दैट वाज आल्सो गुड। सो या, दैट्स प्रीटी मच इट, चलते हैं।
So we'll leave now and we'll see you on the road. हम अभी रामेश्वरम से ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स दूर है. वी वॉन्टेड टू अवॉइड नाइट राइड बट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम वहाँ से ही हमें कन्याकुमारी से निकलने में ही काफ़ी लेट हो गया. तो इस वजह से हम ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास निकले थे. हमने सोचा था कि हम 12 बजे तक छोड़ देंगे कन्याकुमारी बट मे बी दैट वॉज नॉट पॉसिबल. लंच करता आई मीन ब्रेकफास्ट करने में और फिर थोड़ा घूमा हमने बीच वगैरह. मेरी मॉम से मेरे बात हुई और उन्होंने कहा कि शंख चाहिए शायद घर के लिए पूजा के लिए, तो मैं वो खरीदने लगा कन्याकुमारी के बीच से. सो ये सब करते करते उसके बाद फिर हम होटल आए, हमने पैकिंग की एंड इट वॉज रियली हॉट इन कन्याकुमारी. तो काफ़ी हम थक गए थे, टायर्ड हो गए थे. तो सोचा कि यार थोड़ा चिल मारते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं 10 मिनट. और 10 मिनट का आधे घंटे में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं चला. और इस वजह से हमें ऑलमोस्ट 2 बज गए, 2:15 कन्याकुमारी छोड़ते छोड़ते. सो इंडीड और भी ज़्यादा लेट हुआ आई थिंक, क्योंकि उसके बाद हमने पेट्रोल लिया, पानी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स लिया, ऑल दो थिंग्स करते करते सो आई थिंक अराउंड 2:30 to 2:45 हो गया था कन्याकुमारी से निकलने में. सो या दैट्स व्हाई वी आर लिटिल लेट, वी आर रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल. हम लोग सोच रहे थे कि मे बी अराउंड 5:30 वी विल टच पंबन ब्रिज बट मे बी दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ. सो या दैट्स द अपडेट. So I think around 7:30 or 8 we'll reach our hotel in Rameshwaram, that is Hotel SS Grand. I hope it's one of the good hotels, kyunki maine Goa Vivo se book kiya aur wahan pe reviews kafi acche dikh rahe the. So aur yahan ke log bahut pyare hain, Tamil Nadu ke log. So if you are watching and you are from Tamil Nadu, hats off to you guys. Shout out to the people of Tamil Nadu. Yeah. So we are almost 65 kilometers away from Rameshwaram. We have taken a 10 minutes break. इसके बाद हम निकलेंगे रामेश्वरम की ओर. काफी अंधेरा है रोड पे. There is no light, so it's actually exciting to drive at night. Hopefully आपको कुछ तो दिख रहा होगा. ये रेल ब्रिज है और वो दूर में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. आई थिंक एक और ब्रिज बन रहा है बट ये जो ब्रिज है ये बेसिकली वहाँ पे एक्चुअली चल रहा है उस ब्रिज के ऊपर. वाह. सो ये ब्रिज जो है आप देख सकते हैं अथाह समुद्र है. देखिए पूरा नीचे खतरनाक समुद्र है, पानी है पूरा. और हम उसके ऊपर इस वक्त उसके ऊपर के ब्रिज पे खड़े हैं और हमारे पैरेलल में पंबन ब्रिज है. तो अभी काफी अंधेरा है तो मैं मोस्टली अभी कैमरा बंद कर रहा हूँ. अब बीच में अगर कोई स्पेशल जगह दिखेगी जो कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि अंधेरा है और मुझे थम्सअप मिला अभी बाइक से. 3 लोग जा रहे थे ट्रिपलिंग करके बाइक पे, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए विदाउट एनी गियर्स विदाउट एनी हेलमेट. दे आर जस्ट डूइंग ट्रिपलिंग, जो नहीं करना चाहिए बट दे आर डूइंग इट एनीवेज. और वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और उन्होंने मुझे थम्सअप दिया, मैंने आई रिटर्न टू योर बॉडी. जान है तो जहान है वरना सब बेगाने हैं. और फिर अपन खाना खाएंगे और सो जाएंगे. ओके गाइस.